भारतीय कला का इतिहास कक्षा 12वीं। तो आज हम राजस्थानी शैली के लघु चित्रों का अध्ययन करेंगे। आज का अध्याय है हमारा चित्रकूट में भरत राम से मिलते हुए। इसको हम भरत राम मिलाप भी कहते हैं। तो इनके चित्रकार का नाम है गुमान, माध्यम कागज़ पर जल रंग, समय 18वीं सदी, उपशैली जयपुर, तकनीक है टेम्परा और संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। अब हम इसका विवरण करेंगे। इस चित्र में 49 मानव आकृतियां हैं। इस चित्र को गुमान ने रामायण के एक प्रसंग से लिया है। इस चित्र में भरत और शत्रुघ्न अपनी पत्नियों, माताओं और गुरुओं के साथ चित्रकूट में आते हैं। सभी राम, लक्ष्मण और सीता को अपने साथ वापस चलने को कहने आते हैं। अगर आपने रामायण देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि जब भरत जी को पता चलता है कि उनके भाई राम, लक्ष्मण और सीता जी 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए हैं, तो वे उनको मनाने के लिए जाते हैं और वापस अयोध्या चलने को कहने आते हैं। राम और लक्ष्मण के वस्त्र को गेरुआ रंग में दिखाया गया है और इनके माताओं के वस्त्र को सफ़ेद रंग में दिखाया गया है। भरत और शत्रुघ्न को गुलाबी रंग के वस्त्र में दिखाया गया है। ऋषियों को भी गेरुआ रंग के वस्त्र में दिखाया गया है और इनके दाढ़ी को सफ़ेद रंग में दिखाया गया है। इस चित्र में जब आप देखते हो तो जहाँ जहाँ इनकी माताओं को दिखाया गया है, हर जगह इनकी माताओं को सफ़ेद रंग के वस्त्र में ही दिखाया गया है और राम लक्ष्मण को गेरुआ रंग के वस्त्र में दिखाया गया है। और जो इनके भाई है भरत और शत्रुघ्न, इनको गुलाबी रंग के वस्त्र में दिखाया गया है। और आप जब ऋषि मुनियों को देखते हो तो इनको भी गेरुआ रंग के वस्त्र में दिखाया गया है और कुछ ऋषि जो हैं उनको गुलाबी रंग के वस्त्र में भी दिखाया गया है और जो इनके दाढ़ी हैं वो सफ़ेद रंग में दिखाया गया है। सीता व अन्य पत्नियों को गुलाबी रंग के वस्त्र में दिखाया गया है। ऊपरी भाग में माताओं का आदर करते हुए राम, लक्ष्मण और सीता को अलग-अलग मुद्रा में दिखाया गया है। नीचे ऋषियों का भी आदर करते हुए राम और लक्ष्मण को दिखाया गया है। पिता दशरथ की मृत्यु का समाचार सुनकर राम को मूर्छित अवस्था में दिखाया गया है। ऊपर सीता के साथ विचार विमर्श करती हुई उनकी सासें व अन्य हैं। एक स्थान पर राम ऋषिवर से क्षमा प्रार्थना करते हुए दिखाए गए हैं और उनके लक्ष्मण पीछे खड़े हैं। अंत में चित्र की दाहिनी ओर सभी को पंक्तिबद्ध खड़े दिखाया गया है। पृष्ठभूमि में गहरे रंग से बनी कुटिया दिखाई गई है जिस पर काले रंग से विशेष संरचना अंकित की गई है। उसके पीछे वृक्षों, फूलों व पौधों को दिखाया गया है। पेड़ों के पीछे एक पहाड़ी को भी दिखाया गया है। चित्र के धरातल को गेरुए रंग को हल्का करके रंगा गया है जो समस्त आकृति को आधार प्रदान कर रहा है।